नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल यात्रा विद महेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मंदिर हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखते हैं। जो व्यक्ति मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता है, उस पर सदैव प्रभु का आशीर्वाद बना रहता है। भारत में एक से एक अनूठे और अद्भुत मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनकी कल्पना करना आज के दौर में भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही अनेक मंदिरों में से एक है बिहार के औरंगाबाद स्थित देव सूर्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं कि यहाँ कैसे पहुँचे, इस मंदिर की रहस्य क्या है, इस मंदिर में मनाए जाने वाले पर्व कौन कौन सी हैं, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस मंदिर को 8वीं से 9वीं सदी के बीच का मानते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर तक पहुंचा। हमला करने से पहले मंदिर के पुजारियों ने उससे अनुरोध किया कि वह मंदिर को न तोड़े। तब औरंगजेब कहता है कि अगर सच में तुम्हारा भगवान है तो इस मंदिर का द्वार अगर पश्चिम दिशा में हो जाए तो वह मंदिर नहीं तोड़ेगा। ऐसा कहकर वह अगली सुबह तक का वक्त देकर चले जाते हैं। तब मंदिर के पुजारी सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर में वापस प्रार्थना करने आते हैं तो वह देखते हैं कि मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा में हो गया है, और तभी से द्वार पश्चिम दिशा में ही है। इस मंदिर में छठ पूजा के दिन देश भर से लोग अपने मुरादे लेकर अर्घ देने आते हैं। इस मंदिर के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल देव में कार्तिक और चैती छठ व्रत के अवसर पर 4 दिवसीय राजकीय छठ मेले की रौनक देखते ही बनती है, और पूरा मेला क्षेत्र छठी मैया के गीतों से गुंजायमान रहता है। मेला परिसर तथा मंदिर क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की जाती है। इस अवसर पर मंदिरों को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। मेला क्षेत्र समेत पूरे देव में हर तरफ छठी मैया की गीत सुनाई देती है। मान्यता है कि देव में अत्यंत प्राचीन सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की पूजन अर्चन और पौराणिक सूर्य कुंड में स्नान करने से मनोवांछित कामनाएं पूरी होती है। कार्तिक छठ पूजा में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। देव में जिला प्रशासन के साथ स्काउट गाइड मिलकर सुरक्षा विधि व्यवस्था बनाने में स्काउट गाइड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देव एक ऐसी जगह है जहां हिंदू के साथ मुस्लिम भी छठ करते हैं। देव छठ मेले में देश के विभिन्न भागों तथा राज्य के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं और व्रतधारियों की सुविधा के लिए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा परिवहन, आवासन आदि की बेहतर व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा देव सूर्य महोत्सव या देव जन्मोत्सव के नाम से विश्व प्रख्यात सूर्य जन्मोत्सव देव में 1998 से लगातार प्रशासनिक स्तर पर 2 दिवसीय सूर्य देव महोत्सव आयोजन किया जाता है। देव सूर्य महोत्सव बिहार के मुख्यमंत्री या पर्यटन मंत्री के द्वारा आयोजन और उद्घाटन होता है। यह माघ शुक्ल पक्ष के अंचला सप्तमी को देव सूर्य देव के जन्म अवसर पर पूरे शहरवासी नमक को त्याग कर बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन के अवसर पर बिहार राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन में देव के सूर्य कुंड, तालाब या ब्रह्मा कुंड में भव्य गंगा आरती भी होती है, जिसे देखने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देव स्थित सूर्य मंदिर देश का एकमात्र पश्चिमोभिमुख मंदिर है। यहाँ 7 रथों से सूर्य की उत्कीर्ण प्रस्तर मूर्तियाँ अपने तीनों रूपों, प्रातःकाल में, दोपहर में और शाम के समय में विराजमान हैं। काले और भूरे पत्थरों की अति सुंदर कृति देव के प्राचीन सूर्य मंदिर में देखने को मिलती है और दर्शन के लिए भाव विभोर करती है। अब हम आपको बताते हैं कि देव सूर्य मंदिर कैसे पहुँचे। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देव सूर्य मंदिर की सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड है, जो कि सूर्य देव मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पहुंचने के बाद आप वहां से टैक्सी या ऑटो के द्वारा देव सूर्य मंदिर पहुंच सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा पटना आना होगा। यहां पहुंचने के बाद आप टैक्सी या कैब के द्वारा आसानी से सूर्य मंदिर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यह है औरंगाबाद के देव में स्थित सूर्य मंदिर की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
ताकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।